जय लक्ष्मी माता। पोरा परपट्टम मंगलसेन राजा अमोती दमोती बम्मन वरुआ कहे कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती सोला बोल की एक कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फुलेरा का वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को और फुलेरा बनाने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जास्मिन का फूल है और ये भी रेड कलर का जास्मिन का फूल है और ये कनेर के फूल हैं और ये गेंदे के फूल हैं और ये बेल पत्तियाँ हैं और ये दूबी है और ये जास्मिन की पत्तियाँ हैं और ये चांदनी की पत्तियाँ हैं, ये चांदनी फूल है और ये कनेर की पत्तियाँ हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये अशोक की पत्तियाँ हैं और ये भी सो वाली पत्तियाँ हैं। तो हम इन सब चीज़ों का यूज करके एक अच्छा बड़ा सा फुलेरा बनाएंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में और आप लोग फुलेरा देखिएगा। सुई में धागा डाल के रख ली हूँ और ये सबका कॉम्बिनेशन पहले बना के रख ली हूँ। इनमें सब में धागे लगे हुए हैं, धागे लगा के रख लिए हैं और ये कनेर के में भी धागे लगे और उनमें भी लगे। अब मैं माला गूंथ कर आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये गेंदे के फूल को गूंथेंगे, इस प्रकार से गेंदे के फूल को गूंथेंगे। फिर इसके बाद एक चांदनी का फूल गूंथेंगे, और ये बेल की पत्तियां हैं, तो बीच बीच में हम बेल की पत्तियों को भी लटकाएंगे। इस प्रकार से फिर इसके बाद में ये कनेर का फूल भी लटकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम माला बना रहे हैं। फिर इसके बाद में हम बीच में ये जास्मिन का फूल लटकाएंगे। ये देखिए, और इसी क्रम से हम पूरे माले को गूंथेंगे। अब देखेंगे कि इसके बाद में कनेर का फूल आया हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूरी में लगाना है अंतर में, और कनेर के फूल के बाद फिर बेल की पत्ती आई हुई है। इस तरह से फिर इसके बाद चांदनी का फूल आया है। चांदनी का और फिर इसके बाद फिर से ये गेंदा का फूल आया है। तो मैं आप लोगों को एक राउंड पूरा लगा के दिखा दी। इस तरह से हमको अच्छा बड़ा लंबा माला बनाना है। ये देखिए अच्छा बड़ा लंबा बनाना है और ये टोकनी में मैं धागा बांध के रख ली हूँ और फिर इसके बाद में ये सभी पत्तियों को इसमें मैं लटकाऊंगी इस तरह से ऐसा, और फिर ये माला गूंथ लूंगी मैं। तो फिर ये माले को इस तरह से ऐसा लटकाऊंगी। तो मैं टोकनियों में पत्ती बांधकर आप लोगों को बताती हूँ और माला गूंथकर भी बताती हूँ। ये वाला माला पूरा कंप्लीट गूंथकर बताती हूँ। इस तरह से टोकनी में चारों तरफ बांधना है, फिर पूरा बंध जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जितना हम बांध लिए हैं अब इसके बाद में और पत्तियाँ बांधेंगे और अभी अशोक की पत्तियाँ भी बांधेंगे। अभी आधा अधूरा है, ये पूरा हमको कंप्लीट करना है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे बांधने में। बहुत ब्यूटीफुल है ये। अशोक की पत्तियां भी लग गई, सभी पत्तियां लग गई। अब ऊपर का डेकोरेशन का करने का बस है। ये देखिए हमारा फुलेरा कितना अच्छा लगने लगा। फिर इसके बाद में हम ये माला गूंथ रहे हैं ना, तो ये माले को इधर से सजाएंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। और ये मैं माला भी बना ली हूँ, ये देखिए ये माला गूंथ के बना ली हूँ। अब मैं माला लगा कर दिखाती हूँ। थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इसकी टोकनी के ऐसे आसपास लगाने के लिए, जैसे ये टोकनी में फुलेरा बना है ना, इसके आसपास लगाने के लिए तो थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा इसको।
इसके ऊपर मेरे को और डेकोरेशन करना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये अशोक की पत्तियाँ हैं, तो मैं इसको बांध ली हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैं इसका डेकोरेशन पूरा करूँगी और इस तरह से पूरा फैला करके इस बार मैं पूरा बिल्कुल ग्रीन फ्लेरा बना रही हूँ। और ये माले जो हैं मैं इसमें ऊपर से डेकोरेशन करूँगी, तो इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। और अभी मैं कुछ ये फ्लावर्स लगा कर रखी हुई हूँ, ये देखिए, तो मैं इनको यहाँ पर बीच बीच में इनको यहाँ पर मैं इनका डेकोरेशन करूँगी और इधर पे फ्लावर लगा दूँगी। और मैं कुछ बेल की पत्तियाँ बांध कर रखी हुई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैं धागे में इनको भी बांध कर रख ली हूँ, अलग अलग धागे में, ये देखिए। तो इनको भी मैं बीच में ऐसा बेल की पत्तियों को यहाँ पे लगा दूँगी और कुछ पत्तियों को मैं इस धागे में लगाऊँगी यहाँ पर। तो मैं अब पूरा इसको बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये फुलेरा है और मैं यहाँ पर ऊपर पत्तियाँ इसको बांध दी हूँ और एक यहाँ जैस्मिन का फूल लगा दी हूँ। फ्लावर को इसमें यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पीछे से इस तरह से ऐसा निकालते हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक लगा रहता है, गिरता नहीं है। देखिए, इसी तरह से मैं इनको लगा दी हूँ और ये भी है। अब मैं यहाँ का डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने दिखाई थी कि ये जो पत्तियाँ हैं गुलाब की, तो मैं इनमें पूरा डेकोरेशन करूँगी और ये कुछ बेल की पत्तियाँ हैं, बेल की पत्तियाँ हैं, तो मैं इनका भी साइड में डेकोरेशन इस तरह से करके आपको पूरा दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ऊपर अब ये फ्लावर्स में पूरा सजा दी हूँ। अब मैं इसमें गेंदा लगा रही हूँ ऊपर में। ये टोकनी में इतने सारे छेद रहते हैं कि हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छेद में हम अटैच कर देते हैं। ये लगे, अब मैं इसमें ये वाले फ्लावर्स लगाती हूँ। अभी फिर मैं ऐसा पूरा ऊपर करके दिखाऊंगी, पूरा फुलेरा तैयार हो जाएगा। पूरा परपट्टम मंगलसेन राजा मोती दमोती बम्भन वर हुआ कहें कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती सोला बोल की एक कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। पूरा परपट्टम मंगलसेन राजा मोती दमोती बम्भन वर हुआ कहें कहानी। सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। लक्ष्मी माता हत्थी सवार आना, हम पूजा करेंगे पाठ करेंगे, हम पूजा करेंगे पाठ करेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।